मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टेक आउट योर मैथ्स बुक. ओके, एंड टुडे वी विल डू दी एक्सरसाइजेस. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, टेक आउट दी पेज नंबर 249. टुडे वी विल डू दी एग्जाम्पल टू. ओके, टुडे वी विल डू दी एग्जाम्पल टू. देखो एग्जाम्पल टू में क्या दिया है. फाइंड द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर. क्या बोला है, रेशियो किसका बोला है स्टूडेंट्स, 9 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर का हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है. और ये कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, देखो डिफरेंस कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है. देखो पहले तो ये जो 90 सेंटीमीटर है, या तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो या तो 1.5 मीटर को कन्वर्ट करो इन अ सेंटीमीटर. ठीक है, तो एक बेटर है कि हम इसी में ही कन्वर्ट करें इसको. सो 1.5 इज इक्वल टू 100 इंटू 1.5, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 150 सेंटीमीटर होगा ना. कैसे होगा बताओ, 100 इंटू 15/10, एक पॉइंट है, एक नंबर के आगे पॉइंट है, सो नीचे 10 आएगा, है ना. तो ये जीरो कट, तो आंसर क्या आ रहा है, 150 सेंटीमीटर, है ना. अब उसके बाद 90/150 करेंगे. ठीक है, क्या करेंगे, 90/50. क्यों 90/150 करेंगे, क्योंकि इसमें दिया गया है कि हमें रेशियो निकालना है, और रेशियो ऐसे ही निकलेगा, जीरो जीरो कट. अब ये दोनों किसके टेबल में आते होंगे, थ्री के टेबल में. थ्री थ्री जार 9, थ्री फाइव जार 15, सो ये क्या हो गया, 3/5, है ना. तो आंसर क्या आ रहा है, 3:5. ठीक है, क्या आ रहा है स्टूडेंट्स आंसर, 3:5. ओके, ये क्या था एग्जाम्पल टू. नाउ एग्जाम्पल थ्री देखो. There are 45 persons working in an office. If the number of female is 25 and the remaining are males, find the ratio of the number of females to number of males and the number of males to number of female. पहले female to male करना है, फिर male to female करना है. ठीक है, अब example 3 देखो. Number of फीमेल्स कितने हैं, 25. टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, 45. ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स है 45 और नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है, 25. अब नंबर ऑफ मेल्स ढूंढने के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स में से टोटल नंबर ऑफ फीमेल को माइनस करेंगे, तो क्या आ रहा है आंसर, नंबर ऑफ मेल्स 20. क्या आ रहा है, नंबर ऑफ मेल्स 20. तो अब पहला रेशियो क्या बोला है ढूंढने के लिए, फीमेल टू मेल. अब फीमेल टू मेल क्या होगा, फीमेल कितनी है 25 और मेल कितना है 20. सो अब 5 5 25 5 4 20, तो आंसर आएगा 5/4 और 5:4. क्या आएगा, 5:4. नाउ मेल टू फीमेल क्या होगा, 20/25. सो 20/25 क्या हो जाएगा, 5 5 5 5 are, so 4/5, answer is 4:5. क्या आएगा आंसर, 4:5. Understand? Good. Now see example 4. Give two equivalent ratio of 6:4. आपको क्या करना है, दो equivalent ratio देना है किसका,
6:4 का 2 इक्विवेलेंट रेशियो देना है। नाउ देखो इसमें क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, खाली आपको इक्विवेलेंट रेशियो देना है। देखो अब 6:4 है, इक्विवेलेंट रेशियो देते कैसे हैं, एग्जाम्पल 4:6:4, 6/4 किया, इसको नीचे ऊपर जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो वही नंबर से नीचे भी करो, तो ये क्या हो जा रहा है 12/8। तो एक रेशियो मिला हमें 12/8, मिला कि नहीं। अब इसी नंबर को कोई भी नंबर से, चलो 3 से ही किया, नीचे 3 से किया तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, तो 6 3 18, 4 3 12, तो 18:12 कितने रेशियो मिल गए, एक ये मिल गया और एक ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट रेशियो है। ओके नाउ स्टूडेंट्स योर होमवर्क इज एग्जाम्पल 2:2, एग्जाम्पल 4 इन CW, पेज नंबर 249। समझ आया? सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।